अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहने वाला है। मैं हूँ शेफ किरण और मैं कहती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे किरण किचन में बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ता कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया चिकन का कीमा, जो कि 600 ग्राम है। और अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट जब आप बनाए ना, तो आपने इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है। 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इस तरीके से 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, जिनमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुछ धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। इस तरीके से सारे मसाले डाल देंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया, जो कि है 2 टेबल स्पून भर के। और इन सारी चीज़ों को आपने कर लेना अच्छे से मिक्स इस तरीके से। तो देखिए अब हमारा जो मिक्सिंग है काफ़ी अच्छे से हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक स्टिक, इस तरह से जो मैं यूज़ कर रही हूँ कबाब्स को बनाने के लिए। अगर आपके पास स्टिक भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसको पेन से या पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटर मैं लूँगी हाथ में इस तरीके से, और बैटर को आपने क्या करना है, हाथ पर फैला लेना ऐसे, और आपने रख देनी यहाँ पर बीच में स्टिक और इसको दबाते जाना है। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पर मैं हल्का सा हाथ पर पानी लगा लूँगी, ऑयल का इस्तेमाल नहीं मैं कर रही, पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इसको अच्छे से पुश करते हुए ना आपने दबाते हुए प्रेस करते जाना, बस प्रेस करते हुए इसको आपने अच्छे से बना लेना। तो ये देखें कितने अच्छे से ये बन गया। अब आपने इसको क्या करना है, निकाल लेना इस तरीके से। और ये देखें हमारा जो एक कबाब है बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से अब दूसरा भी बना लेंगे। दोबारा से मैं ऐसे उठाऊंगी जो हमने मिक्सिंग की है सारे कीमे की, उसको हाथ पर इस तरह से फैला लूंगी प्रेस करते हुए। दोबारा से स्टिक डालूंगी इसके अंदर और इसको प्रेस करती जाऊंगी। जितने अच्छे से आप इसको प्रेस करेंगे ना, आपका जो कबाब है ना वो उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखें आप चाहें तो इसको दोनों हाथों से भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो दूसरा कबाब है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और इस तरह से मैं बाकी के कबाब भी बनाकर रेडी कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब हैं जो बनकर तैयार हो गए। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब जो हमने बनाए थे इस तरीके से डालते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कबाब जो डाल दिए हैं। अब आपने 4 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, ताकि इनके ऊपर कलर आ जाए और जो हमारा अंदर से कीमा कच्चा है वो भी अच्छे से पक जाए। और 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर कबाब को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके से। कबाब को पकड़ के आपने इसकी साइड को चेंज करते जाना। ये देखिए इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। इसी तरह से आपने जो सारे कबाब है ना उनकी साइड्स को चेंज करके इनको दूसरी साइड से भी पका लेना इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर हमारे सारे कबाब की जो साइड्स हैं वो चेंज हो गई हैं। और अब हम इनको 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे, ताकि सारे जो कबाब है ना दोनों साइड से अच्छे से इनके अंदर जो कीमा है वो गल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे कबाब हैं जो फ्राई हो गए हैं, इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये देखिए दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। मैं सारे कबाब हैं इनको निकाल दूंगी। और अब हम इसी ऑयल में डाल देंगे जो हमारे कबाब का ऑयल था, उसमें इस तरीके से मैंने थोड़े मोटे रख के ना प्याज इनको चॉप कर लिया था ये ऐड कर देंगे।
और इनको मिक्स करके आपने कर लेना फ्राई इस तरीके से, हल्का सा ही आपने बस इनको, जो पानी है ना प्याज का वही ड्राई करना है, इनको आपने ब्राउन या डार्क ब्राउन ही करना, जैसे इसके पानी को हम कर लेंगे ड्राई। और 2 मिनट में जो हमारा प्याज का पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2 मिनट हो गया हमारा, जो प्याज का पानी था वो फ्राई हो गया। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च लेकर उसको भी इसी तरह से थोड़ा मोटे साइज में रखकर मैंने चॉप कर दिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके आपने इस तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना प्याज के साथ। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर, सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से चम्मच से चला देना आपने और सारे मसालों को अच्छे से आपने मिक्स कर देना। पानी इसमें आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, चूल्हा यहाँ पर मैंने लो रखा हुआ है, बिल्कुल दम वाली जो आँच होती है वो नहीं रखी हुई मैंने, लेकिन हल्का सा उसको लो ही रखा हुआ है। तो ये देखिए सारे मसाले हैं जो वो हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई किए थे। तो यहाँ पर वन बाय वन मैं इसमें सारे कबाब हैं जो उनको ऐड करती जाऊँगी इस तरीके से। इसको शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, ये देखें इस तरीके से सारे कबाब मैंने डाल दिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, और इस तरह से मैंने थोड़े मोटे साइज में इस तरीके से ही शिमला मिर्च प्याज हमने सब सेम साइज में ही इस तरह से काट लिया था, ये डाल देंगे। टमाटर थोड़ा पानी छोड़ते हैं और नरम जल्दी हो जाते हैं, इस वजह से मैं इनको लास्ट पर डालूंगी। और हम जो टमाटर डाले ना, टमाटर का ही पानी हमारे जो ये कबाब हैं और प्याज इसमें आ जाएगा और मसाला नीचे भी नहीं लगेगा। अब आपने इसको कर देना लो फ्लेम पर, ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए कवर करके आपने इसको रख देना, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब को कवर किए 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैं ढक्कन को हटा दूंगी, ढक्कन को आपने एहतियात से हटाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ढक्कन के ऊपर जो है पानी आया है, इसको आपने अंदर नहीं ऐड होने देना। ये देखें इस तरीके से ढक्कन को आपने हटाकर साइड पे कर देना है। और अब इसमें हम चला देंगे चम्मच, और ये देखें ज़रा भी जो हमारे कोफ्ते हैं वो नीचे नहीं लगे, ना ही हमारा मसाला नीचे लगे, हमारे मज़ेदार से जो कोफ्ते हैं तैयार हैं। इस स्टेज पर आपने चूल्हा उसको कर देना है ऑफ। तो चूल्हे को मैंने यहाँ पर कर दिया ऑफ। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से थोड़ा सा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो कोफ्ता कबाब थे वो बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपी लेकर आया करूँ, जिसको आपको बनाने में मसला भी ना और बहुत आसानी से बन जाए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कोफ्ता कबाब कैसे बने। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।